हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आपको फिर से एक नए ब्लॉग पर। दोस्तों आज हम लोग जाने वाले हैं पंजाब राज। आज हम लोग के साथ जाने वाले हैं दो फ्रेंड, वो लोग अभी रेडी हो रहे हैं। अभी हम यहां से घर से निकलेंगे और उन लोग को पिकअप करेंगे और साथ चलेंगे पंजाब राज। तो चलिए वीडियो में बने रहिए। अभी हम फाइनली यहाँ पर पहुंच चुके हैं और देख रहे सर जी भी रेडी हैं अभी जाने के लिए। और इधर हम लोग के साथ जाने वाले हैं रितेश। हाय कर रितेश। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी हम लोग निकलेंगे गाजियाबाद के लिए। तब तक के लिए वीडियो में बने रहिए। तो गाइज अभी हम लोग पहुंच चुके हैं पंजाब राज और यहाँ का जो लुक है बहुत ही गजब का लुक है दोस्तों। और आपको दिखाएंगे यहाँ का पूरा व्यू। आप जो पीछे का जो नज़ारा देख रहे हैं यही है पंजाब राज। और उसके बाद हम लोग नीचे जाएंगे और नीचे का व्यू दिखाएंगे, साथ में यहाँ का पूरे जगह का एक्सप्लोर कराएंगे। गाइज चलिए अभी हम लोग नीचे चलते हैं और नीचे का जो नज़ारा है आप लोग को दिखाएंगे। और दोस्तों अभी हम लोग फाइनली नीचे उतर चुके हैं। देखिए यहाँ नीचे का जो व्यू है इस तरह से है, बहुत ही कमाल का व्यू लग रहा है। अभी फिलहाल जो पानी का जो लेवल है फ्रेंड्स, तो ये देख सकते हैं आप लोग, पानी थोड़ा सा मतलब बहुत कम पानी है अभी। और बरसात के टाइम में यहाँ पे पूरा पानी भरा हुआ रहता है। तकरीबन ये जो सीढ़ी आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे पूरा लगभग पूरा ऊपर तक पानी आ जाता है। और साथ ही देखिए यहाँ पर कुछ गाँव के ग्रामीण यहाँ पर नहाने भी आते हैं और शायद माछी मछली वगैरह पकड़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर कुछ एक्टिविटी चल रहा है उन लोग का फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग। आप लोग अगर यहाँ पे आएंगे कभी फोटो शूट करने के लिए तो इस जगह पे जरूर आए। यहाँ देखिए यहाँ से पूरा नज़ारा पूरा क्लियर दिख रहा है और काफ़ी खूबसूरत लग रहा है यहाँ का जो दृश्य है। एंड फ्रेंड्स हम लोग अभी उस लोकेशन पे जाएंगे, तो देखिए यहाँ से तो कोई रास्ता है नहीं, अभी हम लोग को यहीं से होकर जाना होगा। तो चलिए मछली पकड़ रहे हैं। चलिए अभी देखेंगे, भैया बहुत मस्त मछली पकड़ रहे हैं, गजब का एकदम पूरा इंस्ट्रूमेंट लेकर के आए हैं। तो चलिए देखते हैं भैया अभी तक कितना मछली पकड़े हैं, थोड़ा बात करते हैं। हेलो भैया, कैसे हैं? ठीक है, ठीक है। मछली पकड़ रहे हैं? कितना मछली लगा अभी तक? अभी तक तो दो लगा है। अरे भैया दो मछली पकड़ लिए हैं। और ये देखिए किस तरह से जो भैया लगा रहे हैं मछली, बहुत ही गजब का टेक्निक यूज कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए पूरा बहता हुआ पानी में भैया मछली पकड़ रहे हैं, गजब का। और गाइस देखिए यहाँ का जो व्यू है बहुत ही कमाल का है देखिए। और भैया के साथ बात करके बहुत ही मजा आ रहा है, यहाँ पर लग रहा है पूरा दिन यहाँ पे बिता देंगे यहाँ पे मछली पकड़ते हुए। भैया के पास अभी तक तो फिलहाल दो मछली पकड़ चुके हैं भैया, दो मछली पकड़े ना भैया? दो मछली पकड़ चुके हैं। ये जो जगह है यहाँ पर देखिए, यहाँ पानी का जो बहाव है बहुत ही तेज रहता है। बरसात के टाइम में क्या होता है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी एक ही साथ बहाव में आ जाता है। और यहाँ पे देखिए किस तरह से पुल बना था, लेकिन अभी पुल का स्थिति आप देख सकते हैं कैसे टूट गया है पूरा। और अंकल से अभी बात करके हम लोग को पता चला कि यहाँ का जो पुल है लगभग कितना बार टूट चुका है अंकल? एक बार टूट चुका है। और ये देखिए ये पुल का जो स्थिति देखिए, पिलर किस तरह से देखिए पूरा जमीन में धस चुका है। गाइस ये देखिए, ये जो दिख रहा है ये टूटा हुआ पिलर है पुल का, जो सबसे पहले पुल बना था, तो ये टूट के देखिए किस तरह से यहाँ पे बिखर गया है, आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद आप लोग को फिर दिखाते हैं यहाँ का व्यू। फाइनली अभी यहाँ ब्राज बन चुका है जो कि आप लोग देख ही रहे हैं, बहुत ही गजब का लुक यहाँ ब्राज का। एंड फ्रेंड्स चलिए हम लोग दूसरे लोकेशन पे चलते हैं, ऑफ लोकेशन। और दोस्तों यहाँ पे पिकनिक के लिए बहुत ही अच्छा जगह है। न्यू ईयर में कहीं पिकनिक का प्लान बना रहे हैं तो ये आपके लिए सबसे बेस्ट जगह हो सकता है। तो चलिए आपको आगे का लोकेशन का भी दीदार करवाते हैं।
दोस्तों देखिए ये जो जगह है कितना खूबसूरत लग रहा है, और ये जगह को अभी यहाँ पे पूरा मेंटेन किया जाता है। इसका घास जो है काफी बड़ा बड़ा हो जाता है, तो देखिए घास को कटिंग करने के लिए यहाँ पे आदमी भी रखा गया है, और देखिए यहाँ पे काम चल रहा है, पूरा घास को ट्रिमिंग कर रहा है। गाइस आप लोग को और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, यहाँ पे जो गांजा ब्राज के सामने आप लोग को दूर का जो लोकेशन देख रहे हैं जहाँ पे, वो देखिए बहुत दूर में दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे जब पुल नहीं हुआ करता था तो आदमी इस पार से उस पार जाने के लिए नौका का यूज़ करते थे, जो कि फिलहाल अभी बंद हो गया है। अभी तो ब्राज भी बन चुका है, तो इसलिए अभी यहाँ पे वो नज़र नहीं आता है, लेकिन इससे पहले यहाँ पे नौका से भी आदमी इस पार से उस पार जाने के लिए नौका का यूज़ करते थे। बिल्कुल जमशेदपुर के उद्योग नगरी के आदिपुर के बिल्कुल करीब में है, बिल्कुल सामने है, और ये जो जगह है बिल्कुल आपको आदिपुर NIT मोड़ से अंदर आप घुसेंगे तो थोड़ा ही 5-7 किलोमीटर के अंदर में ये जगह आपको मिल जाएगा, और जिसका नाम है गांजा ब्राज। और ये देखिए दोस्तों अभी हम लोग फिलहाल गांजा ब्राज में हैं, और यहाँ का व्यू का मज़ा ले रहे हैं, और साथ में हम लोग के रोहिना सर भी हैं, वो भी काफ़ी मज़ा ले रहे हैं। अभी थोड़ा बताएंगे यहाँ के जगह के बारे में रोहिना सर। ये जो गांजा ब्राज है ये आदिपुर इंडस्ट्रियल एरिया के करीब है, और ये ब्राज जो है ये टूरिस्ट स्पॉट के लिए भी प्रसिद्ध है, और यहाँ पिकनिक भी बहुत कोई मनाने के लिए आते हैं, फैमिली एंजॉय के लिए आते हैं। एंड गाइस ये जो ब्राज देख रहे हैं इसके बनने के पीछे क्या कारण हो सकता है, अभी हम सर से थोड़ा बात करेंगे। रोहिना सर काफ़ी जानकारी है उनका भी, और हमारे इस इलाके से भी बिलोंग करते हैं हम लोग, बहुत ज़्यादा दूर के नहीं है। सर यहाँ ये जो ब्राज बना है उसके पीछे क्या कारण है? ये जो ब्राज बना है इसमें पहले लोग तो आने जाने के लिए पुल था, अभी पुल टूट गया है। अच्छा, आप लोग देख सकते हैं पुल भी यहाँ पे बना हुआ था लेकिन अभी पूरा टूट गया है। पुल टूटने के कारण जो है कि लोगों को आने जाने में यहाँ के जितने भी लोग हैं यहाँ पर उद्योग खास करके जो मतलब ड्यूटी वाला है इंडस्ट्रियल एरिया में जो काम करते हैं आने जाने के लिए बहुत ही प्रॉब्लम हो रही थी। जैसे कि इसके पहले बताया गया कि नौका में हम लोग पा रहे थे तो बहुत ज़्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था यहाँ के लोगों को, ग्रामीण लोगों को। ये सब प्रॉब्लम को देखते हुए जो कि गांजा ब्राज का निर्माण किया गया। और कब टूटा है थोड़ा बताएंगे हम लोग दर्शक को? ये जो पुल टूटा है करीब 2010-11 में टूटा हुआ है। अच्छा अच्छा, तो आप लोग देख सकते हैं दोस्तों यहाँ का जो पुल है वो 2010-11 में टूट चुका है, और बार बार हम लोग को मतलब इसी तरह का प्रॉब्लम को देखने को मिल रहा था, तो अभी फाइनली वैसा कुछ है नहीं। अभी देखिए बहुत ही अच्छा यहाँ पे सुविधा हो गया है, और एक तरह से देखने के लिए यहाँ पे दार्शनिक स्थल भी है। हाँ, अभी यहाँ पे आदमी आके घूम भी सकता है, पिकनिक भी मना सकता है, पिकनिक स्थल भी यहाँ पर लोग जो कि फैमिली इंजॉय के लिए आते हैं। यहाँ और भी कुछ प्लान चल रहा है क्या, यहाँ पे कुछ बनेगा या फिर यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा काम वगैरह चल रहा है तो सर बताएंगे थोड़ा उनके बारे में? अभी आप जो इधर का नज़ारा देख रहे हैं यहाँ जो कैनल का निर्माण चल रहा है ये जो है कि अभी प्रोसेसिंग में है। ये पूरा जो है कि जल के पानी के लिए जो है कैनल जो है कि पानी के बाईपास के लिए जो है कि डायरेक्ट जो है कैनल से होते हुए पानी जो है कि बहाव होगा ये इसके लिए जो कि निर्माण अभी काम प्रोसेसिंग में है, अभी काम चल रहा है। ये काम कम्प्लीट होगा इसका हम लोग फिर इसके बारे में हम लोग एक्सप्लोर करेंगे। अच्छा, वो वीडियो हम लोग का नेक्स्ट पार्ट में आएगा। हाँ चलिए गाइस, अभी जो वीडियो में ट्विस्ट आने वाला है तो अभी हम बताएंगे। हम लोग 3 जन आए थे, और अभी रितेश भाई से भी मिलाना चाहेंगे, अभी उनसे पूछते हैं यहाँ जो आप हम लोग आए हैं उनको कैसा लग रहा है ये जो जगह, दर्शक को कैसा लग रहा है ये जगह? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा अच्छा लग रहा है ना, ऐसे ही बोल रहे हैं? नहीं नहीं, चलिए दोस्तों रितेश को भी बहुत अच्छा लग रहा है, आई होप आप लोग को भी ये जगह बहुत ही अच्छा लगेगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए बहुत ही अच्छा लोकेशन है, साथ में आपको यहाँ पे बहुत सारा चीज़ का मजा लेने को मिल जाएगा। एक तो नदी है, ऊपर से आपको ब्राज है, जैसे आपको आज का जो ट्रेंडिंग में चल रहा है दोस्तों फोटोशूट है कि नहीं, अभी फोटोशूट चल रहा है, जो फोटोशूट के लिए अभी बहुत आदमी आते हैं, और साथ में शायद यहाँ पे हम देख चुके हैं यहाँ पर बहुत सारे एल्बम वगैरह शूटिंग भी चल रहा था। हाँ हाँ, शूटिंग भी चलता है अभी, नागपुरी एल्बम वगैरह आप देख सकते हैं, और यहाँ का भी आपको थोड़ा लोकेशन आपको उस वीडियो में मिलेगा। तो दोस्तों ये जगह काफ़ी पॉपुलर है, आप लोग भी आइए यहाँ पे मज़ा लीजिए, ये जमशेदपुर के बिल्कुल करीब में है, और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आप सारा चीज़ तो हम कवर कर ही दिए हैं, अगर कुछ छूट जाता है तो कमेंट में जरूर लिखें, हम लोग उसको भी ऐड करेंगे। हम सर तो बोल दिए हैं कि हम लोग हमारा इस यहाँ का जो अभी कुछ काम प्रोसेसिंग में है, हम लोग इसका नेक्स्ट पार्ट भी लाएंगे, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो भी बनाएंगे। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं एक दूसरे ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।